एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल चोको पाई। जैसे मार्केट में लॉटरी चोको पाई आती है, यमी फिल्स आपके मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बिना कुछ पकाए, बिना किसी कुकिंग के आप झटपट एकदम क्विक एंड इजी तरीके से इंस्टेंट चोको पाई बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही क्विक एंड इजी चोको पाई। इजी एंड क्विक चोको पाई बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है मैरी गोल्ड बिस्किट। इसका पैकेट बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने लिए हैं 10 पीस। और चोको पाई की अंदर की व्हाइट वाली फिलिंग के लिए मैं इसको कर रही हूँ बहुत ही आसान। ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच दूध का पाउडर। बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी सुपर स्टोर पर छोटे पाउचेस भी मिलते हैं, तो आप वो ले लें, दूध का पाउडर किसी भी ब्रांड का। तो 2 बड़े चम्मच दूध का पाउडर ले रही हूँ। और इसमें हम इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क घर में कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी मेरा होममेड खत्म हो गया है, तो ये मैं डालूंगी अभी 1 चम्मच, क्योंकि हमें गाढ़ा इसका सिर्फ पेस्ट जैसा तैयार करना है। तो कंडेंस्ड मिल्क और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करके इसका एक गाढ़ा क्रीम जैसा पेस्ट तैयार करेंगे। अच्छे से कंडेंस्ड मिल्क और मिल्क पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया है और बिल्कुल गाढ़ा इस तरीके का थिक क्रीम तैयार हो गई। अगर आपको लगे बहुत ज्यादा थिक हो रहा है तो आप कुछ बूंद दूध की मिला सकते हैं, या फिर कंडेंस्ड मिल्क की मात्रा थोड़ी और बढ़ा लें। अंदर की फिलिंग बनाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन और भी हैं। जैसे आप लें व्हाइट चॉकलेट, उसको मेल्ट कर लें, उसे पिघला लें, और उसमें आप थोड़ी सी अमूल फ्रेश क्रीम जो आती है जरा सी क्रीम मिला लें और इस तरीके का पेस्ट उसका तैयार कर लें, एक वो ऑप्शन है। दूसरा, रेडीमेड जो चॉकलेट स्प्रेड आता है, आप चॉकलेट स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं अगर आप अंदर फिलिंग में चॉकलेट वाली फिलिंग पसंद करते हैं तो। या फिर जो मैंने आपको पीनट बटर घर में बनाना बताया था, तो आप पीनट बटर भी लगा सकते हैं फिलिंग के लिए। या आपको लगता है कि बच्चों को जैम बहुत पसंद है तो आप जैम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बाजार जैसी चोको पाई, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। तो अब लेते हैं हमारी बिस्किट और बिस्किट के बीच में अब ये क्रीम लगाएंगे, थोड़ी सी स्प्रेड करके इसका सैंडविच जैसा तैयार करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये वाला मिक्स, क्योंकि मिल्क पाउडर भी बड़ा टेस्टी होता है और फिर उसमें कंडेंस मिल्क भी हमने मिक्स कर दिया, तो ये बड़ा भाता है बच्चों को। तो इस तरीके से लगा लें। अब दूसरे बिस्किट को इसके ऊपर इस तरह रख देंगे और उसका एक सैंडविच तैयार करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। सभी को बिल्कुल इसी तरह तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैंने क्रीम लगा करके बिस्किट्स को बिल्कुल रेडी कर लिया है चोको पाई के लिए। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में मैं रख देती हूँ, जिससे ये थोड़ी सी सेट हो जाए क्रीम इसके साथ। तो जब तक बिस्किट सेट हो रही हैं, ये मैंने ली है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। बहुत ही इजीली आपको इसका स्लैब मिल जाएगा मार्केट में। तो ये मैंने ली है डार्क चॉकलेट ऑलमोस्ट 100 ग्राम। इस तरीके का पैकेट मार्केट में मिलता है डार्क चॉकलेट सब्स्टिट्यूट का, तो आप वो ले सकते हैं। और इससे आप कई तरीके की चॉकलेट बना सकते हैं। इससे पहले मैंने इससे चॉकलेट कुल्फी बार भी बनाई थी, जो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की। तो ये हमने ली है 100 ग्राम। इसको हमें करना होगा मेल्ट। मेल्ट करने के चॉकलेट के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप इसे 30 सेकंड के लिए लगभग माइक्रोवेव में रखें और इससे ये मेल्ट हो जाती है। और दूसरा तरीका इसको पिघलाने का होता है डबल बॉयलर मेथड। डबल बॉयलिंग के लिए मैंने गैस पर इस तरीके से एक पतीला चढ़ाया है और उसमें मैंने पानी को यहाँ तक आधे के करीब ले लिया है। अच्छी तरीके से पानी को बॉयल करेंगे और जैसे कि पानी बॉयल हो रहा है, अब इसके ऊपर इस तरीके से एक स्टील का या कांच का, जो टूटे नहीं, वो आप इस पर फिट कीजिए। और इस तरह फिट करना है कि ये पानी को टच ना करे, बस ऊपर रहे और उसकी हीट उसे मिलती रहे। अब इसमें हम डाल देते हैं ये सारी चॉकलेट। अब 5 मिनट में ये मेल्ट होने लगेगी। इस तरीके से धीरे धीरे हम चलाएंगे और इसकी हीट से चॉकलेट पूरी मेल्ट हो जाएगी। कभी भी डायरेक्ट चॉकलेट को मेल्ट करने की गलती ना करें, उससे वो खराब हो जाएगी और आपका काम नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमेशा डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेव में आप चॉकलेट को मेल्ट करें। और ये देखिए, 5 मिनट के अंदर ही चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो गई है। बस हमारी मेल्टेड चॉकलेट तैयार है। चॉकलेट को मैंने अच्छी तरीके से देखिए बिल्कुल सिल्की स्मूथ मेल्ट कर लिया है। ये मैंने ली है एक ट्रे। ट्रे पे आप लगाइए एल्युमिनियम फॉइल या फिर बटर पेपर। बिस्किट भी बढ़िया से सेट हो गई है और मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है। तो अब हम एक चोको पाई जो हमने तैयार कर रहे हैं बिस्किट से, उसको लेंगे और इसमें डिप करेंगे। इस तरीके से सब तरफ अच्छे से बिस्किट को कोट कर देंगे और धीरे से एक फोक की मदद से इसको निकालेंगे।
बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। एक्स्ट्रा इसमें ड्रिप होने देंगे, टपकने देंगे और फॉइल पे इस तरह से रख देंगे। फॉइल हम इसलिए लेते हैं जिससे जमने के बाद ये इजीली इसके ऊपर से हट जाए। अब इसी तरीके से दूसरे बिस्किट लेंगे, दूसरे बिस्किट को भी डिप करेंगे और इसी तरह से निकाल देंगे और सभी चोकोपाई को इसी तरीके से चॉकलेट पे कोट करेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी चोकोपाई। कोई कह सकता है कि हमने घर में बनाई है? मेरे बेटे को तो इतनी पसंद आई कि बहुत खुश हो गया, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि मम्मा ने घर में बनाई है। अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। मात्र 5 मिनट में ही ये बिल्कुल बढ़िया सेट हो जाती हैं। उसके बाद आप अपना एंजॉय कीजिए चोकोपाई, क्योंकि ये हमने यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज की है जिसकी टेंडेंसी जमने की होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये बाहर निकलने पर मेल्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी, ये ऐसे ही जमी रहेगी। सिर्फ सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, मैंने फ्रिज से चोकोपाई को निकाल लिया है और मैं आपको अब ये पास से दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया बनी है। इतनी क्विक और इतनी इंस्टेंट एकदम परफेक्ट चोकोपाई आपकी झटपट बिना किसी कुकिंग के तैयार हो गई, किसी बाजार वाली चोकोपाई से कम नहीं है। जरूर बनाइए। थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ डेकोरेट। उसके लिए मैंने लिए थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट, उसे मेल्ट कर लिया है और एक प्लास्टिक के पैकेट में भर करके इस तरह कोन बना ली है। चाहे तो आप इस तरह सजा सकते हैं या फिर आप शुगर पाउडर लीजिए और छन्नी पर डाल करके उसके ऊपर से इसके ऊपर व्हाइट पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको डेकोरेट करनी है, वरना तो ये इसी तरह बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है झटपट हमारी चोकोपाई, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, खाने में बहुत बहुत टेस्टी। इस रक्षाबंधन आप जरूर बनाएं और कर दें अपने भाई का मन खुश। बहुत ही बढ़िया बनती है और बनाना आपने देखा कोई कुकिंग की कोई जरूरत नहीं है, मिनटों में ये तैयार हो जाती है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें, जरूर जरूर अच्छी बनेगी आपकी ये चोकोपाई। वाओ बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने थोड़ी सी खा ली है, रहा नहीं गया मुझ पर, बहुत बढ़िया है। और ये देखिए लग रही है ना ये बिल्कुल चोकोपाई अंदर से भी। तो इस राखी आप ये झटपट क्विक इंस्टेंट चोकोपाई जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं कमेंट में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सभी के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।